So the 24th verse of the 14th chapter of Gita, भगवान प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर व्यक्ति के लक्षण बताते हैं. सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा संस्तुति. One who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with an equal eye, who is equal towards desirable and undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, he is a person who has transcended the worlds of material nature. So Bhagavan yahan kehte hain sama दुख सुख, दुख और सुख दे आर रिजल्ट्स. द कॉज इज मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर एंड द रिजल्ट इज सुख एंड दुख. दिस इज साइंस. हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. सो वी हैव देयर इज द ऑब्जेक्टिव द एम एंड देन द प्रोसीजर देन द ऑब्जर्वेशंस एंड देन द कंक्लूजन. यस, ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट एंड कंक्लूजन. ऐसे ही मैथ्स एक्सपेरिमेंट चलता है. तो यहां भी हम देख रहे हैं द ड्राइव मैकेनिज्म ऑफ दिस एंटायर मटेरियल मोड्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. सो द कॉज इज प्रकृति के तीन गुण, इफेक्ट इज सुख एंड दुख. तो क्योंकि हम ये शरीर नहीं है और केवल शरीर तक ही ये प्रकृति के गुण और शरीर यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर यहां तक प्रकृति के गुण कार्य करते हैं. आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं है. ये जानते हुए आध्यात्म विद्या से जब एक व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण कर लेता है तो वो सम दुख सुख स्वस्थ. सो यूजुअली व्हेन गुड थिंग्स हैपन इन द हीट ऑफ हैप्पीनेस वी डू रॉन्ग थिंग्स एंड वी स्पॉइल आवरसेल्फ्स. When wrong things happen to us, we go into distress, depression, and we spoil ourselves. दोनों चीजों में स्वस्थ होना. जब दुख आए ठीक है अपने कर्म दुख आ रहे हैं. जब सुख आए ठीक है अपने कर्म सुख आ रहे हैं. It is like a sinusoidal wave. Yes, it doesn't stay. It is like alternating current. जीवन ये डीसी करंट नहीं है प्लस 5 volts. जीवन एसी करंट है. Yes, ये हम जानते थे पहले से ही. इसलिए हमने अल्टरनेटिंग करंट अपनाया है. अमेरिका में डीसी करंट चलता है. उनको लगता है जीवन केवल दो चीजों में है, या तो अप या नीचे. हम जानते हैं जीवन तो हमेशा चलने का नाम है, ऊपर नीचे होता रहे. ये ज्ञान हमें भगवद गीता में मिलता है. सो सम दुख सुख स्वस्थ है और शुड बी हैप्पी स्टे हेल्दी. जीवन में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. क्या कहते हैं, सिर चंगा तो कटौती में गंगा है कि नहीं. सिर सलामत तो पगड़ी हजार. तो दुख है सुख है, जिया तो जाएगा ही जीवन, लेकिन वो कैसे स्वस्थ जीना है. स्वस्थ होने के लिए तन का और मन का ये दोनों जरूरी है. इवन बोर्नविटा ने ये बहुत पहले जाना था. टैगलाइन थी तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नविटा. आपको याद है वो? Yes, old 90s के ads. तन की शक्ति और मन की शक्ति ये दोनों जरूरी है. सो सम दुख सुख ये मन की शक्ति है, स्वस्थ है ये तन की शक्ति है. तो जब हम आध्यात्म विद्या से अपने आप को, व्हेन अ पर्सन गोज बियॉन्ड व्हाट इज गोइंग अराउंड, ही बिकम्स ट्रांसेंडेंट, देन ही कैन बी सम दुख सुख एंड स्वस्थ है. इन दैट स्टेट समलोष्ट्राश्म कांचन, रास्ते में पड़े हुए किसी पत्थर को और सुंदर सोने को वो समान भाव से देखता है. वो कुछ ऊपर लेके नहीं जाने वाला. देयर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ तुकाराम महाराज. तुकाराम महाराज के बारे में शिवाजी महाराज ने बहुत कुछ सुना और उन्हें
नजराने के रूप में, भेंट के रूप में बहुत सारा अनाज, सुंदर वस्त्र और सोना भेजा। तो उनकी तरफ आना बहुत ही गरीब, बहुत ही गरीब, मतलब उनकी चार चार दिन कुछ होता नहीं, ना खाने के लिए ना खाए, खाना नहीं होता। तो उनकी पत्नी अवनी ने जब देखा वो बहुत खुश हुई, अरे वाह इतना सब कुछ आ गया। तुरंत उन्होंने सोना पहन लिया। शाम को अभंग लिख करके, कीर्तन करके जब तुकाराम महाराज घर आए, उन्होंने देखा अरे घर का तो पूरा नक्शा पलटा हुआ है, देखा ये कौन लाया है। तो शिवाजी महाराज ने जिस सरदार को सारे खजाने के साथ में और कपड़ों और अनाज के साथ में भेजा था, उन्होंने कहा ये शिवाजी महाराज ने भेजा है। तो तुकाराम महाराज ने तुरंत सारे अपनी पत्नी के ऊपर से गहने निकाल दिए और वापस उस सरदार को दे दिए। बोले हमें क्या करना, उल्टा अगर कहें तो सरदार कहने लगा अरे शिवाजी महाराज ने भेजा है आपको और आपको बुलाया है, आपके लिए पालकी भेजी है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं अरे मेरे सपवित्र देव को देख करके शिवाजी महाराज को क्या मिलने वाला है, और शिवाजी महाराज के भी पास ऐसा क्या है जिसकी मुझे जरूरत है और मैं उनके पास जाऊं जब वो भी मेरे पास आए। तो उन्होंने एक सुंदर अभंग कहा। तुकाराम महाराज ने कहा आम्ही तेणे सुखी म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, तुमचे हे येर वित्त धन ते वस मृत्तिके समान, कंठी मिळवा तुळशी व्रत करा एकादशी, म्हणवा हरीचे दास तुका म्हणे मज ही आस। तुकाराम महाराज कहते हैं कि आम्ही तेणे सुखी म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, भगवान का नाम अब उसी का सब कुछ, तुमचे हे येर वित्त धन ते वस मृत्तिके समान, आपका ये जो सोना चांदी है वो मुझे मिट्टी के जैसा है। सबल ओष्ट्राश्म कांचन, ये हम देखते हैं भक्तों के जीवन में, दीज आर लाइव एग्जांपल्स रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। सबल ओष्ट्राश्म कांचन, तो तुकाराम महाराज कहते हैं कंठी मिरवा तुलसी, गले में तुलसी माला डालिए। मिरवा, मिरवा मींस अरे टेक प्राइड, जैसे व्यक्ति या स्त्री कोई नया गहना लेती है सबके सामने जाते हुए, नई साड़ी अच्छी सबके सामने एकदम अरे मैं नई पहन के निकली हूँ, मैं नया गहना पहन के निकली हूँ। व्यक्ति कोई नई अच्छी गाड़ी लेता है सबके सामने मस्त, तो मिरवा मिरवणे मींस अरे देखो मैंने लिया है, मैंने पहना है। सो ये डालने के लिए संकोच मत कीजिए, आप भगवान के दास हैं। कंठी मिरवा तुलसी व्रत करा एकादशी, एकादशी व्रत का पालन कीजिए, अन्न मत खाइए उस दिन। भणवा हरिचे दास, टेक प्राइड इन कॉलिंग योरसेल्फ द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, तुका म्हणे मज ही आस, मैं यही चाहता। तो तुकाराम महाराज ने सारे गहने निकाल करके दे दिए। शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज से मिलने आए, और वो एक अलग कथा है, जब कभी प्रसंग मिलेगा हम बताएंगे। सो दिस इज समद ओष्ट्राश्म कांचन, तुल्य प्रिय अप्रियो धीर, प्रिय और अप्रिय अपने अपने हिसाब से आते रहेंगे, ही रहा a sober person, who's a sober person whose senses are not agitated, come what may, जैसे एक सैनिक चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको याद होगा जब बालाकोट की स्ट्राइक के बाद में हवाई हमला हुआ था पाकिस्तान पर, और उसके बाद में पाकिस्तान ने दूसरे दिन अटैक किया था, तो हमारे फाइटर जेट्स उनको इंटरसेप्ट करने गए थे, और अभिनंदन वर्धमान को जिन्हें अभी हाल ही में इस बार एक विशिष्ट मेडल दिया गया, तो अभिनंदन वर्धमान को प्लेन गिराया गया था पाकिस्तान बॉर्डर में, उन्हें कैप्चर कर लिया था, उनके इंटरोगेशन में उनसे पूछा जा रहा था काफी कुछ। तो अभिनंदन वर्धमान ने कहा था आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनी मोर। सो जैसे एक सैनिक ही इज कंप्लीटली अरे जान दे दूंगा लेकिन कुछ नहीं बोलूंगा, दे हैव दैट थिंग। उसी प्रकार से भक्त के लिए भी इस धीर। सो दुश्मनों ने सैनिक का मनोबल पूरी तरह से निस्तनाबूत करने का प्रयास किया, बट ही डिड नॉट बज। उसी प्रकार से भक्त का बल कंप्लीटली धराशायी करने का माया प्रयास करते हैं, प्रकृति के तीन गुण प्रयास करते हैं, लेकिन धीर वो है जो उनको इस प्रयास में सफल होने नहीं देता। जिस प्रकार से दुश्मन हमारे सैनिकों पर आक्रमण कर रहे हैं, उसी प्रकार से माया और प्रकृति के तीन गुण भी हम पर काम करते हैं। धीर,
तुल्य निंदा आत्म संस्थिति, कोई अगर स्तुति कर रहा है कोई निंदा कर रहा है, मुझे अपने मार्ग पर अड़िग रहना है। इट शुड नेवर बी थॉट कि मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा कि हर कोई प्रेस करेगा, ऐसा होता ही नहीं है। प्रभु रामचंद्र को भी गाली देने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण को भी गाली देने वाले लोग, तो भ्रमर आपकी खेत भी होती है, स्वयं भगवान को विपरीत बातें छेड़नी पड़ती है, हमें छेड़नी पड़ेगी। Am I perfect in my conscience? Am I really doing good for all? That is becoming answerable to the self, taking a pledge of being honest, practical. This is what is happening. Thank you very much. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।